नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईडिया। कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई रिक्रूटमेंट जो कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। ठीक है, किसकी तरफ से? दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल में बताते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। 28/8/2024 उसका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर DMRC ONM वर्क मुंबई मेट्रो लाइन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, यानी कि आपको फिक्स टर्म के पद पर रखा जाएगा, आपको फिक्स टर्म के लिए रखा जाएगा, हमेशा के लिए नहीं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बात करें डिपार्टमेंट की, पोस्ट कोड की, और कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए, पहला पद है PST के, डिपार्टमेंट है PST, पद है आपका सुपरवाइज़र। ठीक है, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। 3 ईयर रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विथ इंस्टीट्यूट मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज इंक्लूडेड टू कैजुअल 3 बिलोंग। अब बात करें नेचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस की, तो देखिए इसमें आपको 25 KV फ्लेक्सिबल 25 KV AC सब स्टेशन और 33 KV लग्जरी सब स्टेशन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन एंड सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, ये आपका काम रहेगा, नेचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फिर अगला है टेक्नीशियन, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन क्लास 12 पास 10 पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन फीटर से। ठीक है, आप केबल से केबल ज्वाइंटर ट्रेड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज 3 साल का आपका एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे है सिंग लैगिंग टेलीकॉम सुपरवाइज़र का पद है, 4 पोस्ट है। 3 ईयर्स रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट है, और पोस्ट की बात करें तो देखिए सुपरवाइज़र के पद पर है, 2 पोस्ट है। 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, साथ में 3 साल के एक्सपीरियंस। अगला है ट्रैक डिपार्टमेंट है, पोस्ट है आपका टेक्नीशियन, 1 पोस्ट है। इसमें आपका ITI होना चाहिए प्लम्बर विथ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का। ठीक है, प्लम्बर से। एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट 1/8/2024 से आपका जोड़ा जाएगा। मिनिमम आपका 23 से 40 वर्ष होना चाहिए, 23 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच। ठीक है, सुपरवाइज़र पद के लिए, और वही टेक्नीशियन पद के लिए 23 से 35 साल। एज रिलैक्सेशन एक एप्लीकेशन पर रूल के हिसाब से होगा। वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट CTC क्राइटेरिया 1/8/2024 के हिसाब से। ठीक है, और देखिए पे एंड इवोल्यूशन की बात करें तो देखिए टेक्नीशियन के लिए आपका 46,000 पे होगा, यानी 46,000 आपकी सैलरी रहेगी, और सुपरवाइजर के लिए 65,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इंगेज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कास्ट टू कंपनी CTC एबो विथ द क्लेम रिकॉग्नाइजेशन द फ्यूचर द इंटायर इंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स का आपका पीरियड रहेगा, 3 साल का आपका पीरियड चलेगा। विच कैन कॉन्ट्रेक्चुअल सब्जेक्ट रिगार्डिंग सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखा जाएगा। प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टर एंड ये ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 11/9/2024 से आपको लास्ट डेट होगा। ठीक है, 11/9/2024 को आपका लास्ट डेट होगा। देखिए द दिल्ली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेंट एवरीब्लू स्क्राइबिंग द पोस्ट इज द कवर लेटेस्ट डिबाई
लेटेस्ट बाई 11/9/2024, ठीक है। 11 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि DMRC ज़्यादा टाइम नहीं देती है फॉर्म फिल करने का। 28 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 11 तारीख को आपका लास्ट डेट होगा, ठीक है। इतनी जानकारी थी ITI डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए है। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।